आखिर क्यों श्री कृष्ण ने माता रुक्मणी को नमक नाम से संबोधित किया। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम श्री कृष्ण के एक अद्भुत लीला के बारे में वर्णन करेंगे जो द्वारका में हुई थी। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे प्यारे दोस्तों बात उस समय की है जब श्री कृष्ण द्वारका में अपने रानियों के साथ रहे थे। उन्हीं दिनों एक दिन नारद मुनि द्वारका में आते हैं और वो बातों ही बातों में एक लीला करने की सोचते हैं और वो श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु आप अपनी अष्ट रानियों से अतः प्रेम करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, पर आपके जीवन में इन रानियों का क्या स्थान है? आप कृपया भोजन के स्वाद के सहित इसका तुलना करते हुए बताइए। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए एक एक रानियों का तुलना एक एक स्वाद से करते जाते हैं और माता जामवंती का तुलना मीठे से और सत्यभामा का तुलना तीखे से करते हैं और माता रुक्मणी की तुलना बस नमक से करते हैं कि माता रुक्मणी उनके जीवन में नमक के स्वाद जितना महत्वपूर्ण है। ये सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए और माता रुक्मणी भी अचंभे में आ गई, क्योंकि सबको पता था माता रुक्मणी को श्री कृष्ण अत्यधिक प्रेम करते थे, तो बस साधारण नमक के साथ ही क्यों उनका तुलना किया। उसके बाद जब संध्या होती है नारद समेत अष्ट भारिया भोजन के लिए प्रस्तुत होती है और जैसे ही सब भोजन का एक निवाला अपने मुंह में डालते हैं तो वो निवाला निगल नहीं पाते और पूरा थाली छोड़ देते हैं। और इसके पीछे का कारण ये था कि भोजन में हर तरह का स्वाद था किंतु उसमें नमक न था। नमक बिना कोई भी भोजन संपूर्ण नहीं हो पाता। वैसे ही महालक्ष्मी रुक्मणी के बिना श्री कृष्ण अधूरे हैं, वो पूर्ण नहीं हो सकते। और उसी वक्त सबको ये समझ आया। दोस्तों ऐसे ही श्री कृष्ण से जुड़े सुंदर लीला और कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।